यार अभी पानी बरसात का भी मौसम चल रहा है, उसके साथ साथ में हमारे घरों के ऊपर जो टंकी रहती है उसके ओवरफ्लो कारण भी जो हमारे रूफ में सीपेज की कंडीशंस आ जाती हैं या उसमें क्रैक्स आ जाते हैं, तो उसके लिए जो उसका रेमेडी है कि उसको ठीक कैसे किया जाए कि हमारे छतों का जो सीपेज है उसको बंद किया जाए, उसके साथ साथ में उसमें जो क्रैक्स है वो भी हट जाए ताकि हमारे छत इसको अच्छे से हम प्रिपेयर कर सके, उसके लिए हम करते हैं डैम प्रूफ कोर्स। तो आज के इस वीडियो में कंप्लीटली इसी बारे में बात करने वाला हूं। तो आज सभी का स्वागत है सिविल गुरुजी के यूट्यूब चैनल पर। मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर किशन ओझा आप लोग के लिए लेकर आया हूं बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो, जिसमें हम डैम प्रूफ कोर्स बात करने वाले हैं जो हम लोग अपने छतों में करवाते हैं। सबसे पहले इसके प्रोसेस की बात कर लें कि किस किस प्रोसेस में इस डैम प्रूफ कोर्स को कराया जाता है। तो सबसे पहले क्लीनिंग ऑफ रूफ, देन सेकेंड फर्स्ट प्राइम कोट लगता है, सेकेंड प्राइम कोट और थर्ड प्राइम कोट। सबसे पहले बात करते हैं क्लीनिंग ऑफ रूफ की। जैसे घरों के छतों में आप देख रहे हैं जितने भी क्रैक्स हैं या काई लगे रहती है या वहां पे किसी भी तरह के अलग मटेरियल्स रखे रहते हैं, उसको प्रॉपरली क्लीन करना है। वायर ब्रश की हेल्प से आप उसको क्लीन करवा सकते हैं। उसके साथ साथ में ही जो हमारा एसिड आता है जो कि धोने के काम आता है, वो एसिड को हम लोग क्या करेंगे, एक बकेट में पानी लेंगे और उस पानी में 20 लीटर के बकेट में हम 1 लीटर जो है वो अपना एसिड मिलाएंगे, उसके साथ में ही एसिड के साथ प्रॉपरली उसको क्लीन करवाएंगे अपने को, क्योंकि हमको उसका जो सरफेस है वो प्रॉपरली क्लीन करवाना पड़ता है जब भी हम पहला कोट लगाने से पहले। तो जैसे मैंने बताया कि 20 लीटर का जो हमारा बकेट है उसमें अपन लगभग 1 लीटर एसिड जो कि धोने के काम आता है वो एसिड को मिला के प्रॉपरली इसको स्प्रेड करेंगे। स्प्रेड करने के बाद जितने भी हमारे जो सरफेस है जहां पे हमको डैम प्रूफ करना है वहां पे प्रॉपरली इसको स्प्रेड करेंगे। स्प्रेड करने के बाद हमारे पास जो भी वाइपर रहेंगे उससे प्रॉपरली हर जगह को एकदम क्लियरली साफ करना है ताकि हम अपने फर्स्ट कोट को लगा सके। आज इस कॉम्पिटिटिव जॉब मार्केट में जहां जॉब पाना मुश्किल है, वहीं सिविल गुरुजी से ट्रेंड इंजीनियर्स अच्छी करियर ग्रोथ कर रहे हैं, क्योंकि सिविल गुरुजी की ऑनलाइन ट्रेनिंग डिजाइन की गई है इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, जहां आप एक्सपर्ट ट्रेनर के साथ सीखते हैं एस्टिमेशन निकालना, सर्वेइंग करना, QS&RA निकालना, BBS निकालना, बिल बनाना, कॉन्ट्रैक्ट एंड टेंडरिंग के साथ और भी इंपॉर्टेंट स्किल्स आपके टाइम शेड्यूल की फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से और इंडिया के सबसे अफोर्डेबल कॉस्ट में भी। तो अभी फोन उठाओ और कॉल लगाओ 9111001234 पर और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके अधिक जानकारी भी ले लो। अब जैसे ही हम ये लगा देते हैं उसको नॉर्मली, फिर जैसे ही हमारा वो थोड़ा बहुत सूखने लग जाता है, एक बार लास्ट क्लीन होगा जस्ट वाटर को अपन स्प्रेड करेंगे और उसको जो एक्सेसिव है उसको फिर से अपन क्या कर देंगे, ड्रेन आउट करवा देंगे अपने इधर उधर। देन सेकेंड हो गया, फिर उसके बाद जैसे ही हमारा क्लीनिंग हो जाता है हमको अपने फर्स्ट कोट करनी पड़ती है डैम प्रूफ की। फर्स्ट कोट के लिए क्या करेंगे कि हमारे पास जो भी डैम प्रूफ का मटेरियल है उसको क्या करेंगे, एक बकेट में मिलाएंगे। अब इसमें पहले कोट में हमको ये ध्यान रखना पड़ता है कि सपोज मैं अगर 3 लीटर यहाँ पे डैम प्रूफ के मटेरियल का यूज कर रहा हूँ तो उसमें लगभग 1 लीटर मैं अपना पानी को भी मिक्स करूंगा। जैसे ही हम उसको मिक्स कर लेते हैं प्रॉपरली, मिक्स करने के बाद जो हमारे पास हैंड ब्रश रहता है जिस सरफेस को हमने क्लीन करके रखा हुआ है वहां प्रॉपरली हैंड ब्रश से हमको पहली कोटिंग लगानी होती है। ध्यान रखिएगा कि पहली कोटिंग में ही हम पानी मिला रहे हैं। सपोज 3 लीटर अगर हम लोग ये डैम प्रूफ मटेरियल ले रहे हैं तो उसमें 1 लीटर हमको पानी मिक्स करवा के जो अपना हैंड ब्रश है उस हैंड ब्रश से पहले प्रॉपरली फर्स्ट कोट कर देना है। अब जैसे ही हम ये फर्स्ट कोट कर देते हैं लगभग हमको इसको 2 से 4 घंटे तक इसको छोड़ना पड़ेगा सेकेंड कोट लगाने से पहले। जैसे ही हम इसको प्रॉपरली पहला कोट लगा देते हैं देन अपन जाते हैं सेकेंड कोट की तरफ। सेकेंड कोट को लगाने से पहले हम ये श्योर कर लेते हैं कि जितने भी हमारे जो क्रैक्स हैं उसके लिए जो सील है, जो हमारे पास वो भी मटेरियल अवेलेबल होता है, ये क्रैक सील मटेरियल होता है, जितने भी क्रैक्स रहते हैं वहां पे प्रॉपरली क्या करेंगे हम, ये जो क्रैक सील मटेरियल है ये स्मार्ट केयर का भी हो सकता है, कोई भी कंपनी का हो सकता है, ये क्रैक सील मटेरियल को प्रॉपरली हम लोग एक पुट्टी नाइफ या जैसा भी हमारे पास जो भी इक्विपमेंट वहां अवेलेबल
एवेलेबल हो, जितने भी क्रैक्स होंगे वहां पे प्रॉपरली इसको स्प्रेड करना है। देन स्प्रेड करने के बाद हम इसमें क्या करेंगे, फिर से सेकेंड कोट लगाएंगे सेम विद द हेल्प ऑफ वायर ब्रश, और उसमें भी हमको सेम 3 लीटर पे 1 लीटर पानी यूज करना है। अब कितना क्वांटिटी लगेगा वो एक अलग पार्ट हो जाता है, जस्ट मैं एक रेशियो बता रहा हूं कि 3 लीटर पे अपन नॉर्मली 1 लीटर पानी मिक्स करके जो सरफेस क्लीन करवाया है वहां पे अपने को डैम्प प्रूफ करना है सील लगाने के बाद। अब फिर से इसको क्या करेंगे, जैसे ही सेकेंड कोट हो जाएगा फिर से हमको इसको 2 से 4 घंटे के लिए छोड़ना होगा और अपन जाएंगे फिर अपने फाइनल थर्ड कोट की तरफ। ये थर्ड कोट में क्या होगा कि यहां पे हमारे पास जो मटेरियल है डैम्प प्रूफ, इसमें अब किसी भी तरह का कोई भी पानी मिक्स नहीं किया जाएगा, और इसको विद द हेल्प ऑफ रोलर ब्रश ताकि प्रॉपरली जितने भी क्रैक्स हैं, जितने भी वॉइड्स हैं, उसमें भी प्रॉपरली हमारा जो डैम्प प्रूफ का मटेरियल है उसको प्रॉपरली लगाया जा सके। अब थर्ड कोट में क्या होगा कि बिल्कुल भी इसमें पानी मिक्स नहीं करना है हमको, डायरेक्टली हमारा जो मटेरियल है उसको रोलर ब्रश की हेल्प से अपना थर्ड और फाइनल कोट अपन इसमें लगाएंगे, और इसमें एंश्योर करेंगे कि जहां जहां पे मैंने सरफेस क्लीन कराई थी और जहां जहां से भी सीपेज की कंडीशन आ रही है वहां पे प्रॉपरली वो एरिया को मैं कवर कर लूंगा। अब यहां पे यहां ध्यान रखना है कि थर्ड पॉइंट पे कि बस इसमें पानी नहीं मिलाएंगे जब भी अपन थर्ड कोट करेंगे, और रोलर ब्रश की हेल्प से अपन इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट कर देंगे। ये पूरा प्रोसेस अगर मैं नॉर्मली बोलूं तो आप अच्छे से भी करवा सकते हैं, जैसे प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके, और जो भी मटेरियल है उसकी जो सिलेक्शन है वो भी अच्छी होनी चाहिए। इसको कराने से फायदा ये होता है कि हमारी छतों में जो भी सीपेज होते हैं या जितने भी क्रैक्स होते हैं उनको हम रिमूव कर देते हैं, उसके साथ साथ में ये लगभग घर का 4 से 6 डिग्री तक का टेम्परेचर भी कम कर सकता है ये अपना डैम्प प्रूफ कोर्स। तो अब इस पूरे प्रोसेस को अगर मैं ब्रीफ में बताऊं तो 4 प्रोसेस ही था। पहले अपने को प्रॉपरली क्लीन करना है जितना भी सरफेस है, उसमें एसिड डाल के प्रॉपरली उसको पूरा वायर ब्रश की हेल्प से हर चीज को क्लीन करने के बाद फर्स्ट कोट लगाना है। फर्स्ट कोट में हम लोग 3 लीटर जो डैम्प प्रूफ है उसके साथ 1 लीटर पानी मिलाकर वायर ब्रश की हेल्प से अपने को पहला कोट करना है, उसको 2 से 4 घंटे छोड़ना है। उसके बाद उसमें हमको सील कोट लगाना है जो कि जहां भी क्रैक्स है उसको प्रॉपरली भरना है हम लोगों को। देन उसके बाद सेकेंड कोट लगा देंगे, सेकेंड कोट लगाने के फिर से 2 से 4 घंटे बाद अपना अपना फाइनल कोट लगेगा जिसमें किसी भी तरह का पानी हम ऐड नहीं करेंगे, और डायरेक्टली जो हमारा डैम प्रूफ का मटेरियल है उसको रोलर ब्रश की हेल्प से अपन उसको लगा देंगे और इसको छोड़ देंगे, और इसके हेल्प से जितनी भी सीपेज है उसको हम अपने छत में रोक सकते हैं। तो आई होप इंजीनियर्स, ये जो वीडियो के थ्रू मैंने आप लोगों को बताया कि जितना भी प्रोसेस होता है डैम प्रूफ का वो हम कैसे कर सकते हैं, तो आई होप अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कर लीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को भी क्लिक कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिएगा सिविल गुरुजी के साथ।